और फाइनली तुम्हारे भाई ने खोली एक पिज्जा की दुकान और आज हमारा डे वन और हमारे पहले कस्टमर भी आ चुके हैं। तो भैया को ट्राई करना है हमारा चीज पिज्जा। वैसे चीज पिज्जा ही ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और टॉपिंग तो है ही नहीं, हमारे पास चीज ही है। फाइनली हमारा चीज पिज्जा बन के तैयार हो गया, इसे मैं परफेक्ट शेप में कट करके भैया को दे देता हूँ। अरे भैया को बहुत पसंद आया हमारा पिज्जा। इसी के साथ हमारे दूसरे कस्टमर भी आ गए हैं, इन्हें बिना सॉस के बिना चीज के पिज्जा चाहिए, बस पिज्जा का बेस, इसे कट भी नहीं करना है। हमारे इधर ना इसे सूखी रोटी कहती है, पिज्जा नहीं कहते, इससे अच्छा तो फुलके खा लेती घर जाकर। इतनी अलग ही वैरायटी के लोग रहते हैं यहाँ पर, उसे सिर्फ एक मैदे की रोटी खानी थी पकी हुई। गाइस हमारे नेक्स्ट कस्टमर ने एक चीज पिज्जा ऑर्डर किया जिसे मैंने बना दिया और इन्हें दे दिया और इन्हें काफी पसंद आया और आज का हमारा दिन खत्म हो गया और टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ $47 का।